ब्रेड भी इसका इतना फ्रेश है कि मैं आपको बता नहीं सकता, करीब से दिखा सकता हूँ आपको, चेक करो ये। ओ पाकिस्तान अज़रबैजान ब्रदर 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 व्हिच क्लास एट तो गाइस फाइनली ये होटल मिला है एम्पायर होटल और $30 पर नाइट जो कि प्राइस है, ठीक है, लेकिन रूम अंदर से अच्छा है। दो दिन के लिए और ये है, मैंने दो दिन का स्टे है मेरा यहाँ पे, फ्राइडे मॉर्निंग सीधा दुबई फ्लाइट पकड़ के विस्की। चलें अभी ऐसा करते हैं कि अभी ट्राई करते हैं यहाँ का लोकल फूड। आई नो आप भी यही सोच रहे हो कि मैं दो दिन यहाँ पे गुजारे और अभी तक मैंने लोकल फूड का कोई व्लॉग नहीं बनाया, अभी तक मैंने यहाँ का लोकल फूड ट्राई नहीं किया। एक्चुअली मैंने किए हैं कुछ फूड ट्राई बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका, बट डोंट वरी अभी ट्राई करते हैं अज़रबैजान का कुछ लोकल फूड, एक्सप्लोर करते हैं इसको करीब से। ये जगह देखो आप, सफाई देखो, गाड़ियाँ देखो। मुझे अभी रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, सिग्नल तो मैं देख नहीं रहा, कहीं फाइन ही ना हो जाए ना, इतना नहीं है यहाँ के लोकल लोग भी ऐसे सिग्नल क्रॉस करते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप, ये यहाँ के लोग ना बुक्स को बहुत अहमियत देते हैं, द लव टू रीड। तो गाइस वो सामने आप देख सकते हो, ये एक मुझे लोकल शॉप मिली है, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ से कुछ बाय कर रहे हैं, तो चलें करते हैं ट्राई यहाँ से इनका फूड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओ पाकिस्तान अज़रबैजान ब्रदर 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 डोनर यू हैव चिकन एंड मीट चिकन मम्मी नाचा दाना चमू पागल चिकन चिकन स्पाइसी हाउ मच इज इट present in Pakistan present. Oh my god, brother thank you so much. So you can see braza, guys braza. Pyar dekho Pakistani se aur ye pata nahi kab tak rahega ye wala pyar. Okay, can I shoot that guys? Okay, this is 100% bio organic. So aap bhi yahan se try karna agar aap yahan pe aaye na, to kafi student maine dekhe hain bhai jo ke yahan pe khade the. Pehle isse pehle main yahan se guzra tha hotel dekhne ke liye, rush bahut zyada tha to main ruk gaya. Yeah. What is your channel? Yeah, it's a name, Kabir Rajput. What? It's a name, K A B I R. Yeah, K-A-B-I-R. So like this, 10 seconds. Yes. I can. Okay, it's your language? Yes. Okay, yeah, it's English as well. I sound. Yeah. Yeah. This is. Yeah, it's me. You can subscribe. Okay. Okay. All of you. Thank you so much, guys. Bye bye. तो भाई लोग ये फ्री का चैनल सब्सक्राइब करवा दिया इनसे। माशाल्लाह। You guys all subscribe, huh? Which class? Eight. Oh wow, आठवीं में है ये लोग। माशाल्लाह, good. You guys look good. तो गाइस इसके अलावा ये फ्रेश जूस है जो कि टू मनात का है, टेस्ट इसका बहुत डिफरेंट है और मैं ये बोल रहा था कि ये फ्रेश है, ब्रेड भी इसका इतना फ्रेश है कि मैं आपको बता नहीं सकता, करीब से दिखा सकता हूँ आपको, चेक करो ये। वेल गाइस आप जब भी आओ बाकू में तो डोनर ज़रूर ट्राई करना, इनका डोनर जो है बहुत अच्छा है, एक भी आप खाओगे पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी। इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो है 2:30 और अभी मैंने यहाँ से डोनर ट्राई किया है जो कि बहुत ही डिलीशियस था। तो आप अभी जो मेरा प्लान है वो है यहाँ का एक और मॉल विज़िट करने का जिसका नाम है गांजलिक मॉल। एक मॉल मैंने विज़िट किया था डेनिस मॉल और ये मेरा सेकंड मॉल होने वाला है बाकू के अंदर विज़िट करने के लिए, सुना है कि बहुत ही खूबसूरत है वो मॉल भी। इसके साथ एक और जगह है जो मैंने विज़िट करनी है तो लेट्स गो। वेल मेट्रो पे मैं नहीं जा रहा और ना ही बस पे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्या नाम है इस पर बोल्ट, इनकी जो टैक्सी सर्विस है, इनकी जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ऊबर करीम की तरह ही है ये भी। तो इसका जो फेयर होता है ये बहुत ही कम होता है, आप यहाँ से तकरीबन लेट मी चेक यहाँ से है कितने किलोमीटर है ये जनाब है 5 किलोमीटर है और क्या नाम है
कितने मनात मुझे पे करना पड़ेगा, 1.40 मनात। तो 1.40 मनात में अगर मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ तो मुझे टैक्सी लेने की, मुझे मेट्रो पे जाने की, सॉरी मुझे बस लेने की, मुझे ट्रेन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट यही बोल्ट पे ही जाता हूँ और वहाँ पे आराम से उतर के एक मनात दे के जनाब सीधा आपको दिखा दूँगा गांजलिक मॉल। तो गाइस ये बोल्ट आ चुकी है 1.40 मनात में जो मुझे लेके जाएगी। सॉरी भाई, जिस वक्त मैं हूँ गांजलिक मॉल के बिल्कुल बाहर, उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझे जो है ना बोल्ट के, उसने मुझे यहाँ पे उतारा है और 140 मनात बने हैं, लेकिन मैंने उसको 2 मनात दिए हैं बिकॉज उसके पास चेंज नहीं था और ऊपर से यहाँ पे गाड़ी रोक नहीं सकता था, वो पुलिस साथ खड़ी थी, तो मैंने 2 मनात दे के बस बाहर निकल आया। और अभी मैं आपको इसका फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ। फ्रंट का व्यू उस तरफ से है क्योंकि मैं थोड़ा इस तरफ हूँ, आप ये देखो ज़रा ऊपर से, ये है जनाब गांजलिक मॉल। तो चलें मैं आपको एक दफ़ा फ्रंट से इसका व्यू दिखा दूं, फिर चलते हैं इसके अंदर और अंदर से इसको करते हैं एक्सप्लोर। तो गाइज़ आप ये देख सकते हो, ये इस मॉल का फ्रंट का व्यू है और इस तरफ आप देखो तो वो है मेट्रो स्टेशन इनका। तो बस स्टेशन और मेट्रो स्टेशन, आई मीन मेट्रो नीचे मिलेगी आपको अंडरग्राउंड और बस स्टेशन ये है। तो दो तरीके हैं, या तो आप बोल्ट से भी आ सकते हो एक मनात देके, डेढ़ मनात देके, और या फिर आप बस से आ जाओ या मेट्रो से आ जाओ इस गांजलिक मॉल में, और यहाँ पर बहुत रश है। तो गाइज़ ये मॉल जो है ये 2016 में ओपन हुआ था और बरतानवी एक डिज़ाइनर है चेकमैन टेलर, उन्होंने इसे डिज़ाइन किया था और यहाँ की मशहूर तरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी पाशा कंस्ट्रक्शन ने इसे तामीर किया था। तो आप कोई भी बिल्डिंग देख लो उठा के, इसकी क्या नाम है अजरबैजान की खूबसूरत बिल्डिंग, वो आपको एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी मिलेगी पाशा। बहुत सारी बिल्डिंग्स उन्होंने यहाँ पर क्या नाम है बिल्ड की हैं। और बाहर से इसका ये व्यू है, जो लास्ट टाइम पे मैंने मॉल विज़िट किया था डेनिस मॉल, वो भी चेकमैन टेलर ने डिज़ाइन किया था, ये भी उसी ने डिज़ाइन किया है और कंस्ट्रक्शन कंपनी एक ही है दोनों की। तो चलें बाहर से, तो मुझे ये इतना ख़ास लगा नहीं जितना डेनिस मॉल था। डेनिस मॉल ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन उसमें इतना रश नहीं है जितना यहाँ पर रश है, यहाँ पर आपको लोकल्स बहुत मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, चलते हैं इसके अंदर और एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर से कैसा है। तो गाइज़ ये है इस मॉल के अंदर का व्यू। टोटल इसके जो है 4 फ्लोर हैं आप देख सकते हो, और पहले 3 फ्लोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स मिलेंगे, लोकल और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और ऊपर जो है फूड कोर्ट है, आप कोई भी फूड ट्राई कर सकते हो। इस मॉल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर आप ऊपर देखो, इन्होंने लाइट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्या नाम है इस्तेमाल किया है, तो एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि जो सूरज की जो रोशनी है ना वो डायरेक्ट अंदर आ रही है इस मॉल के, तो इनको ज़्यादा लाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है दिन के टाइम, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से ये ऑलरेडी सेविंग प्रोजेक्ट आप कह सकते हो इसको, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। बस अंदर से यही कुछ है, इसके बाद चलते हैं इसके ऊपर 2nd से 3rd फ्लोर में और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस ये है इस मॉल का फूड कोर्ट एरिया, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के फूड ट्राई कर सकते हो, लोकल फूड, अरबिक, इजिप्शियन, जो भी आप खाना चाहो खा सकते हो। गाइस ये इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, बाहर का व्यू, वाह दैट्स अमेजिंग।
इसका जो फूड कोर्ट एरिया है ना, वहाँ से आप जैसे ही आप बाहर आओगे ना, आपको ये जगह मिलेगी सेपरेट, और यहाँ से आप इसके बाहर का व्यू देख सकते हो। इसके सामने वो है अतातुर्क पार्क, इसके बाद मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। गांजलिक मॉल और डेनिस मॉल ये अंदर से सेम ही है, इतना कुछ दिखाने के लिए नहीं है। जो डेनिस मॉल था उसके अंदर आयरन टर्नल बने हुए थे, जो कि थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर से क्या नाम है नीचे आप स्लाइड करके आ सकते हो, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और इसके अंदर एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सेविंग प्रोजेक्ट है, सूरज की रोशनी सीधा इस मॉल के अंदर आती है और जो कि रोशन कर देती है इस मॉल को। बस ये दो चीज़ें फ़र्क हैं, बाकी अंदर से सिमिलर है। लोकल ब्रांड्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट यहाँ के जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो भी मिलेगा, लोकल ब्रांड भी मिलेंगे आपको। फूड कोर्ट तो आपको पता हर मॉल में होता है, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता इसको दुबई के किसी भी मॉल से, क्योंकि दुबई के मॉल ज़्यादा खूबसूरत है इन मॉल से। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कभी भी आओ बाकू तो ज़रूर विजिट करो इन मॉल्स को। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।